दोस्तों यमहा MT125 जिसका हम काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बट स्टिल ये बाइक को अभी तक इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया। अब आपको पता है दोस्तों MT जो वर्जन 3 भी है वो भी इंडियन मार्केट में आने वाली है, और MT जो 125 है उसके भी जो आने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में MT125 के बारे में ही बात करने वाले हैं, कब तक आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है, प्लस बाइक में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये इंडियन मार्केट में जब आएगी तो यामा इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं यामा MT125 के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए MT125 को लेकर अगर आप अभी गूगल करते हैं तो गूगल में ये दिखा रहा है कि जुलाई मंथ तक इस बाइक को इंडियन मार्केट में जो है लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं किया जा सकता, मतलब ये कन्फर्म नहीं है कि ये कन्फर्म ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों फिलहाल जो एक्चुअल न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि MT125 को इंडियन मार्केट में 2023 के अगस्त मंथ के बाद ही लॉन्च किया जाएगा, अगस्त से पहले आपको ये बाइक नहीं मिलेगी। अब देखते हैं कब तक आती है, हालांकि बाइक का जो इंतज़ार है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे MT125 बहुत ज़्यादा पसंद है। बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। देखिए दोस्तों MT जो 125 का डिज़ाइन अगर आप लोगों ने देखा कि इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अच्छा भी मिलता है, प्लस मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो लुकिंग वाइज है वो MT15 और MT125 में एक जरा सा भी फ़र्क नहीं है। और हाँ ये बात सच है, ज़रा सा भी फ़र्क आपको नहीं मिलेगा, सेम आपको देखने को मिलती है और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों MT125 जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि उसमें सेम MT15 का डिज़ाइन मिलता है। फ्रंट में अगर आप देखें तो बाइक में आपको वही सिंगल छोटी छोटी LED DRL लाइट बाइक में देखने को मिलती है, जिससे बाइक का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और अगर मेन लाइट के बारे में बात करें तो सेम MT15 की तरह बाइक में आपको सिंगल LED जो प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है, और बाइक की जो LED प्रोजेक्टर लाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आपको बाइक में कोई भी एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी जो लाइट है वो यूज़ की गई है। फ्रंट में आपको बाइक में USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलता है। एंड मैं आपको क्लियर कर दूं MT125 दूसरी ऐसी बाइक होने वाली इंडियन मार्केट में KTM ड्यूक 125 के बाद जिसमें आपको USD फॉक सस्पेंशन देखने को मिल सकते हैं। साथ में ब्रेकिंग में आपको बाइक में सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जी ABS है जो कि सिंगल चैनल ABS बाइक में यूज़ किया जाने वाला है। प्लस दोस्तों बात कर लें इस बाइक के और टायर साइज़ के बारे में, तो फ्रंट में आपको बाइक में 180 के जो टायर है वो बाइक में आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे 180 के, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब इंजन ही इस बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। इंजन टाइप में इस बाइक में 124 सीसी का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOSE जो इंजन है वो हमें इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। बात करें इसकी पावर एंड टॉर्क के बारे में, ये बाइक मैक्सिमम पावर में अराउंड 14.7 के आसपास की PS पावर जनरेट करेगी, एंड 11.5 के आसपास का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको MT125 में देखने को मिल सकता है, मतलब बाइक में आपको पावर एंड जो टॉर्क है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और ड्यूक 125 को तो ये पूरा टक्कर देगी ही देगी। इस बाइक में दोस्तों कूलिंग सिस्टम में आपको लिक्विड कूल जो इंजन है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाएगा, जी हाँ लिक्विड कूल इंजन के साथ में आएगी, प्लस बाइक में आपको FI यानी कि फ्यूल इंजेक्टर जो है वो भी आपको बाइक में मिलने वाला है। साथ में बाइक में आपको नंबर ऑफ 6 यानी कि 6 गियर बाइक में देखने को मिलेंगे, 1 नंबर ऑफ सिलेंडर के साथ में आपको ये बाइक मिलने वाली है। देखिए यामा का जो इंजन है ना भाई वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो बाइक का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी होता है, लोग इसीलिए उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मुझे लगता है दोस्तों यामा की ये बहुत खास बात है क्योंकि वो आपको पता है कि एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, सो जापानीज टेक्नोलॉजी होने की वजह से दोस्तों ये बाइक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज किंग ये बाइक ज़रूर होने वाली है 125 सेगमेंट में, ये बाइक आपको अराउंड 42-45 के आसपास का जो माइलेज है इजिली आपको निकालेगी, भाई MT15 40 का माइलेज निकाल देती है तो ये 45 का माइलेज इजिली आपको निकाल कर देगी। 0-100 में इस बाइक को लगभग 14 सेकेंड लगते हैं, टॉप स्पीड इसकी 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको बाइक में देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के रियर में, टेल लाइट में बाइक में आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, जिससे बाइक का जो लुक है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। साथ में रियर में आपको बाइक में 140/70 के टायर मिलेंगे, 220mm की जो डिस्प्लेट है वो भी आपको बाइक में मिलने वाली है। बात कर लें इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में,
सो स्पीडोमीटर में आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस बाइक में यामा वालों ने अपडेट कर दिया है। लास्ट टाइम तक इसमें फुली डिजिटल मीटर आता था, बट दोस्तों अब इस बाइक में यामा वालों ने TFT डिस्प्ले दे दिया है। जी हाँ, TFT डिस्प्ले इन्होंने अपडेट किया, तो ये भी एक बहुत मेजर अपडेट आपको बाइक में मिल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, इवन बाइक में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बाइक में आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। दोस्तों ये प्राइस जा सकती है अराउंड 1,20,000, 1,20,000 रुपए के आसपास की आपको ये बाइक जो है एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल सकती है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों वैल्यू फॉर मनी होने वाली है अगर इस प्राइस में आती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा प्राइस होगा तो फिर बाइक शायद ही ज़्यादा इंडियन मार्केट में पसंद की जाएगी, क्योंकि फिर 125 बाइक का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो लोग उसे वैसे ही पसंद नहीं करते। हालांकि मैं मानता हूँ कि लोग KTM ड्यूक 125 को फिर भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इसके जो प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। बाकी कौन कौन MD125 का वेट कर रहा है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक मार दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब मार दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।